और अगर किस्मत गंदी भी है तब भी आराम से अगर 75 का भी पेपर है तो 75 में 50 प्लस का बहुत आराम से कर लोगे और किस्मत बढ़िया सही सलामत चलती रहे जो है बढ़िया 75 में 75 का हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई बीएससी है, यहाँ पे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत बहुत बल्कि हम कह देंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर के पेपर देने जा रहे हैं सर, ठीक है। हमें खुद भी पढ़ाते हुए प्रॉपर 10-11 साल हो गए हैं, इसका मतलब हम एक सही व्यक्ति हैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा देने के लिए कि कौन सी चीजें हैं जो वो ब्रह्मास्त्र हैं और बार बार पेपर में आती हैं सर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पूरी बात समझिएगा, हम साथ में आपको थोड़ा थोड़ा बताते भी चलेंगे ताकि क्विक रिविजन तो आपका हो ही जाए। बाकी डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट पिन कर देंगे हम प्लेलिस्ट, उससे आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। जो कठिन लग रहा है कमेंट कर दीजिए, फटाफट से हम वीडियो बना देंगे सर, ठीक है। सबसे पहले जो अपनी पहली यूनिट है सर, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, इसका प्रॉपर महाक्लास हमने बना दिया, आप देखेंगे। लेकिन समझो रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्वेश्चन लॉन्ग किसकी औकात नहीं है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, यानी कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, यानी कौन कौन से जो कारक हैं वो इसे प्रभावित करते हैं। सरल भाषा में कहते हैं तो अभिक्रिया की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारक, ब्रह्मास्त्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ नहीं सकते हो सर, ठीक है। यहां हमने लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसे हम सरल भाषा में कहें अभिक्रिया की कोटि, आपको पता है, बताइए दर क्या हुआ करती थी, दर होती थी dx/dt का मतलब सांद्रता की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता में परिवर्तन की दर को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं सर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, अभिक्रिया की कोटि, जितने लोग अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, उसकी वेलोसिटी को निर्धारित करते हैं कि अभिक्रिया तेज होगी कि धीमे होगी, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड भी आप मत छोड़ना, क्योंकि मेरे भाई सर जी फिर तो आपने तीनों ही बता दिए, मेरे भाई पढ़ लो। जब तक हम लोग 12th में थे तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर आती थी, लेकिन यहां पर सेकंड ऑर्डर लॉन्ग में आ जाती है कभी कभी, फिर आदमी कहता है हम क्या करें, और वहां पे केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब में बनाने वाला कोई आइटम नहीं है। तो अगर आपका 2 दिन बाद भी पेपर है तो एक बार देख लो क्या दिक्कत है भाई, वरना प्लेलिस्ट हमने दे ही दी है आराम से डिस्क्रिप्शन में, एक मोटा मोटा महाक्लास देख लो, एक अंदाजा लग जाएगा सर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी और इसी से रिलेटेड आर्हेनियस इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे संक्रियण ऊर्जा हम लोग कहा करते थे, ठीक है सर। हाफ लाइफ मेथड ठीक ठाक है, अर्ध आयु काल बोलते हैं सर, ठीक है, टी हाफ, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन और फ्री एनर्जी, ये लोग ठीक ठाक ही हैं सर, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे आप ये टॉपिक छोड़ दें, पढ़ लें देख लें, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट की बात करें पहली यूनिट में तो रेट ऑफ रिएक्शन पहला, फैक्टर्स के साथ में पढ़िएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनके जो पूरा डेरिवेशन इनके होते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ये भी सब पढ़िएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन, यानी इससे आपको टोटल 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो। बाकी अगर आपके पास टाइम है अभी 10-15-20 दिन पहले देख रहे हो तो जितने भी टॉपिक्स पीडीएफ में लगे हुए हैं वो सारे देख डालो, ये पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना BDKDN BSC, 15,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं, आप भी जाके जुड़ जाइए सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट सेकंड और थर्ड की तो बहुत कम चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है गिब्स फेज रूल, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ने का मतलब है गलती कर रहा हूं। उसके बाद 3 आपके में सिस्टम है, PbAg सिस्टम, H2O सिस्टम और BICD सिस्टम। H2O वाला तो छोड़ने की अगर आपने गलती की तो समझ लो पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं। ऐसे पूछ ले वन कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, वाटर सिस्टम क्या होता है, वाटर इससे कनेक्टेड कुछ भी आए यही वाला सिस्टम करना है, H2O बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में से एक पढ़ लेना, ठीक, हम आपको करा देंगे, अगर टाइम हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ये वाला मेरे हिसाब से पढ़ो, लेकिन हमने एक दो पेपर देखे उनमें ये भी आया हुआ है, है दोनों एक से ही, चाहे इसे पढ़ लो उसी के तरीके से ये लिख जाएगा, चाहे इसे पढ़ लो उसी के तरीके से ये लिख जाएगा, यानी दोनों हैं एक जैसे ही, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। H2O जरूर पढ़ना, केवल H2O मत पढ़ना मेरे भाई, इनमें से भी एक पढ़ लेना, और अगर बाई चांस PbAg पढ़ के जाओ, BICD आ जाए तो PB की जगह BI कर देना, AG की जगह CD कर देना, लगभग ग्राफ सारी चीजें लगभग सेम चलती हैं, नंबर मिल जाएंगे सर, ठीक है। यूनिट 4 की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो गिब्स फेज रूल 1 और सिस्टम 2 और 2 सिस्टम पढ़ने हैं आपको सर, ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होगा, 3 2 लगभग 5 क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट हो चुके हैं सर, ठीक है।
अब आ गए यूनिट फोर पर। देखो भैया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अब देखने में जो बड़े कठिन कठिन नाम लगते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। काइनेटिक थ्योरी का मतलब क्या है? गति सिद्धांत। अरे गैसों का अणु गति सिद्धांत, कक्षा एक में पढ़ाया था। गैसें लगातार टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती हैं, गैसों के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल, कोई अट्रैक्टिव फोर्स, कोई रिपल्शन, कुछ भी नहीं होता है। यही सब तो है, बस खाली पढ़ना है सर आपको बैठ के। वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है? बहुत आसान है सर, बताइए। पीवी बराबर क्या होता है? आरटी होता है, आदर्श गैस समीकरण होती है। अब वैन डर वाल्स ने कहा कि दाब थोड़ा ज्यादा होता है तो कितना ज्यादा होता है? तो बोले ए अपॉन बी स्क्वायर ज्यादा होता है। बोले आयतन थोड़ा कम होता है, कितना कम होता है? इतना होता है, बराबर आरटी। तो ये बन जाती है वैन डर वाल्स समीकरण, ए और बी हो जाते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। हाँ, इनके मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, यहां तक कि डायमेंशन भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है जब आप इन्हें लिखते हैं तब से, ठीक है। बाकी बायलाइल टेम्परेचर ऐसा ही है, देख लेना क्रिटिकल स्टेट। लेकिन ये नहीं छोड़ सकते हो मेरे भाई, मोस्ट वांटेड है क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के बीच रिलेशन। 8 PCBC बराबर 3 RTC, ब्रह्मास्त्र लॉन्ग में फंसा कर तो आपकी चांदी हो सकती है, ठीक है। जूल थॉम्सन इफेक्ट ठीक ठाक है, पढ़ लेना। हाँ, अगर आप थोड़े से और बड़े लेवल पे होते तो हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, जूल थॉम्सन इफेक्ट पढ़ लेना सर, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन जिसे आपने कहा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, याद आ रहा? किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। याद आ रहा कुछ? बोले सर जी पता नहीं क्या बता दी, तो याद करना यार। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मोस्ट वांटेड है, लॉन्ग में आ सकती है। वेलोसिटीज केवल देख लीजिएगा, बीएमपी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सारे के सारे ब्रह्मास्त्र हैं। और अगर आपका परसों भी पेपर है, कॉमेंट करो यार आप, हम सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं बैठ के रात में लगभग 2 घंटे। जो ज्यादा परेशान है उसके लिए क्लासेस लेके हम आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस बताओ यार हमें कि कौन सी चीज आपको दिक्कत कर रही है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये तो हम पूरा क्लास महाक्लास करा चुके हैं सर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, ठीक, अब इसमें समझ लो मेरे भाई, लगभग ऊपर 8-9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, यहां पे समझिए, कतई गलती ना करना, ये 2 क्वेश्चन पढ़ ही लेना। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, पढ़ा चुके हैं आप, देखिएगा इसके 3 होते हैं, स्मेक्टिक क्रिस्टल, निमेटिक, पूरा मतलब डिटेल किया हुआ है, क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, सब कुछ हमने करा दिया है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ये वही है जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, डिस्पर्शियन फोर्सेज, ठीक है, लंडन डिस्पर्शियन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी चीजें करा रखी है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, सारे के सारे आपको कराए हुए हैं। इंटरमोलिकुलर और लिक्विड क्रिस्टल 2 क्वेश्चन, बल्कि ये लॉन्ग में मिल सकता है मेरे भाई, तो ये ब्रह्मास्त्र से छोड़ना मत मेरे भाई। तो इस वजह से लगभग 10 क्वेश्चन हो गए ऊपर की 5 यूनिट में, ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 6 में केवल 3 चीजें आपको देखनी है, देखना तो लगभग सभी कुछ है, लेकिन सबसे पहले बर्नर की थ्योरी 1, इसी की सहायता से IUPAC नाम लिखना आना चाहिए 2, और EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्नर की थ्योरी मिल गई, बर्नर IUPAC नाम मिल जाते हैं कभी कभी, पता 15 नंबर का है, क्या करा 5×3 आ गया, 5 नाम लिखने को आ गया, 3 नंबर के 15 नंबर आपको सिर्फ IUPAC नाम लिख के मिल गए, IUPAC नहीं आई, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने को आ गया, तो बहुत आसान है, आप आराम से देख सकते हैं। लिगेंड आपको पता होना चाहिए, मोनोडेंटेट क्या होता है, बाइडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट क्या होता है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ते हैं। आइसोमेरिज में ऑप्टिकल और स्टीरियो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स की औकात लॉन्ग वाली नहीं शॉर्ट वाली है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो आप लिख सकते हो सर, ठीक है। लेकिन इसमें बर्नर की थ्योरी 1, IUPAC नाम 2, EAN 3 और लिगेंड 4, ये 4 क्वेश्चन छोड़ने की गलती आप ना करें, टाइम है तो फिर तो ये सारी चीजें आप पढ़ ही रहे हैं सर, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में मेरे भाई पूरा ऐसा ही पूछेगा, लॉन्ग में आएगा जी, छोड़ना मत मेरे भाई। लिमिटेशंस ऑफ BVT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, इसी के अंतर्गत आपसे पूछेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं सर, बल्कि ये यूनिट नंबर 8 में पहुंच जाएगा, यहीं कहीं लिखा होगा। ये देखिए ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसे हम लोग DD ट्रांजिशन भी कहते हैं, ध्यान से समझ लो वरना सर महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए है, ये डी के लिए है, D1 to D9, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसके आधार पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, यानी पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लॉन्ग में आएगा ही आएगा, अगर आप जितने भी नंबर का लॉन्ग आपके यहां पे आता है। ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कीलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4-5 क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सर, ठीक है। उसके बाद LS कपलिंग, यह आप नहीं छोड़ सकते हो, LS कपलिंग नहीं छोड़ सकते हो, LS कपलिंग जरूर पढ़नी है। ये बता ही दिया हमने, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में D2D ट्रांजिशन बनाना होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी D ब्लॉक की आपको पता है, कौन कौन से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौहचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम TiH2O का होल ऑफ 6,
और पूरे पे होला 3 पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ठीक है। बाकी बोहर्स मैग्नेट्रॉन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक ठाक ही है, यानी लगभग 10 ऊपर थे, 4 क्वेश्चन ये, और लगभग एक मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो अगर आपकी किस्मत बेहतरीन है इस बात की गारंटी है, हो सकता है, बल्कि हो सकता नहीं, होगा, आपका पेपर पूरा पूरा हो जाएगा। और अगर किस्मत गंदी भी है तब भी आराम से, अगर 75 का भी पेपर है तो 75 में 50 प्लस का बहुत आराम से कर लोगे, और किस्मत बढ़िया सही सलामत चलती रही जो है बढ़िया 75 में 75 का हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई बीएससी है, यहाँ पे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पीडीएफ हम अभी डालना है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करिए BD Canadian BSc, बाकी जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, चाहो तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, फ्यूचर में आपको वहाँ पे काफी बढ़िया बढ़िया कोर्सेस मिलने वाले हैं सर, ठीक है। चलिए सर फिर मिलते हैं, और बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसे देखना शुरू करिए, जो दिक्कतें हो रही हैं उन्हें कमेंट कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।